हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। इससे पहले भी ये क्लास हो चुकी है डिफरेंशिएशन पर। और एक क्या मतलब, ये जो कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी चल रहा है वो डिफरेंशिएशन से पहले पढ़ना था। और डिफरेंशिएशन में आपको चेन रूल से पढ़ना है, तो चेन रूल की एक क्लास हुई है, ठीक ना। वो चेन रूल पे एक सेकेंड क्लास में लेकर यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि एक्चुअली चेन रूल आपके लिए नया भी है और यहीं से आपको पढ़ना है, और किस तरह से चेन रूल को इजीली अप्लाई कर देंगे ये हमको आज पढ़ना है। क्योंकि कल तो मैं बता रहा था कि कैसे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया गया है नियम के अनुसार, लेकिन उसमें भी दो नियम हैं, और कैसे दोनों नियम को कैसे अप्लाई करेंगे, कब कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, कब कौन सा रूल लगेगा, कौन सा ईजी आपके लिए रूल रहेगा और कौन आपको डिफ़िकल्ट समझ में आ रहा है, ये आप डिसाइड करेंगे। मैं तो दोनों बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 7, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब वाई की वैल्यू इतना दिया है और आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। मैं जब फार्मूला बता रहा था तो आपको बताया था कि जो ये डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं लॉग एक्स का, वो बेस ई पर होता है, और बेस ई पर है तब तो 1/x लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर बेस ई की जगह यदि कोई दूसरा आ गया, ई की जगह बेस कुछ दूसरा हो गया, तो पहले हम बेस चेंज करेंगे, इसके बाद से अपना काम करेंगे, ठीक है ना। तो लॉग के रूल तो बहुत पढ़ाए होंगे आपको, लेकिन बेस कैसे चेंज करते हैं, पहला रूल याद करिए कि यदि लॉग बी बेस ए है, आप चाहते हो कि बेस चेंज हो जाए, तो पहले इसको लिख लो लॉग बी बाई लॉग ए, ठीक ना। देखो लॉग बी बेस ए लिखा गया, हमने क्या कर दिया, लॉग बेस, लॉग बी बेस कुछ नहीं लिया, लॉग ए बेस कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ पर जो बेस है, बेस दोनों जगह आप कुछ भी रख सकते हो, जिसमें आप चेंज करना हो जो चाहे रख सकते हो। अब दोनों जगह एक ही रखोगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ आप 2 रखोगे तो यहाँ 3 रखो, नहीं, या तो 2 दोनों जगह रख दो, या दोनों जगह आप 4 रख दो, या दोनों जगह 5 रख दो, तो ये बेस किस में, 4 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह यदि हमको बेस 7 चाहिए था तो हम लॉग बी लॉग ए लिख देते डिवाइडेड बाई, और बेस 7 हो तो 7 हम चेंज कर लेते, या बेस 7 है और ई में चेंज करना होगा तो हम दोनों जगह ई लिख लेंगे, ठीक ना। तो पहले जो भी फंक्शन दिया होता है, ठीक ना, जैसे दिया है वाई इजकल टू लॉग एक्स बेस 7, अब हम क्या करेंगे, बेस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और नीचे क्या लिखेंगे, लॉग 7, ठीक है ना। लेकिन बेस हमको ई चाहिए, तो बेस लगा देंगे ई दोनों जगह, ठीक ना। देखो लॉग एक्स बेस 7 को हमने क्या कर दिया, लॉग एक्स लॉग 7, और चूंकि ई में चेंज करना है इसलिए दोनों जगह हमने ई लगा दिया। अब ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स लॉग अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लॉग 7 बेस ई, 7 भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, इसका मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है कांस्टेंट है। और आपको जब डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि यदि कोई फंक्शन हो और इसके बगल में कोई कांस्टेंट हो तो क्या होगा, वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1/log 7 बेस ई। क्या हमने कर लिया, इस 1/, देखो भाई डिवाइड है, इसका मतलब 1/log 7 बेस ई से मल्टीप्लाई है, उसको हमने बाहर कर दिया क्योंकि इसमें तो कोई एक्स है नहीं, तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, लॉग एक्स का, ठीक है ना। और आप जानते हो कि लॉग एक्स बेस ई का कितना होता है, 1/x। अब कभी कभी क्या करता है कि आंसर में कैसे दिया रहेगा, देखो इसको ऊपर लेके जाएगा, तो ऊपर लेके जाने में क्या होता है, आपको बता दे रहे हैं रूल है कि जो
लॉग सेवन है वो बेस बन जाएगा, जो ई है सेवन की जगह, ये दोनों स्विच कर जाता है जब ऊपर जाता है, तो क्या हो जाता है, लॉग ये हो जाएगा और नीचे आपका एक्स आ जाएगा। कैसे हुआ ये, वन बाई एक्स तो वन बाई एक्स एक्स डिनोमिनेटर में ही है, जब ये ऊपर जाएगा तो बेस और जो वैल्यू है वो आपस में स्विच करता है, ये भी एक रूल है लॉग का, ध्यान से देखिए। दूसरा है कि लॉग बी बेस ए है तो क्या हो जाएगा, लॉग ए क्या हुआ, ये नीचे आया तो ये दोनों स्विच किए, या कह लो कि ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों स्विच करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहीं पर वही रूल लगा है, ये जब ऊपर गया है तो सेवन बेस में आ गया है और ये सेवन की जगह आ गया, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, या तो आंसर ये दिया होगा एक्स इंटू बेस। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई चेन रूल नहीं था, इसमें हमने इसको यही बताया कि यदि बेस चेंज रहेगा तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए ये हमने क्वेश्चन आपके सामने पेश किया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा जो कि चेन रूल है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है आपका y इज इक्वल टू e की पावर x साइन है, आप जानते हो डिफ्रेंसिएशन e टू डी पावर x कितना होता है, e टू डी पावर x होता है, लेकिन यदि जो भी फार्मूला आप पढ़े हो और उस x के जगह एक दूसरा फंक्शन आ जाए, x का ही आ जाएगा, तो वो चेन रूल के अंदर आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x की जगह क्या आ गया, x इंटू साइन एक्स आ गया। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आप इसको एक नया वेरिएबल मान लीजिए, मान लीजिए कि पुट u इजकल टू एक्स साइन एक्स, तो y कितना हो जाएगा, e की पावर y हो जाएगा। फिर एक फार्मूला बढ़ाए थे कि यदि आपका y का x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम पहले y को u के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर u को x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ये अपन dx को क्या लिख देंगे, y यदि सॉरी ये क्या हो जाएगा, हमने इसको क्या बना लिया, u बना लिया, लेट कर लिया, तो y की पावर u हो जाएगा। तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, y का u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y u में स्टैंडर्ड बन गया है, तो y का u के रिस्पेक्ट में इंटू u का x के रिस्पेक्ट में, u का किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये दोनों के दोनों डिफ्रेंसिएशन निकाल के यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो dy वाई अपन डी एक्स आ जाएगा, यही चेन रूल हम पिछली क्लास में आपको बताए थे। तो चलो भाई पहले निकालते हैं y इक्वल टू कितना है, e टू डी पावर u, और इसलिए dy वाई अपन डी यू। अब ये बताओ ये हो जाएगा d अपन डी यू e की पावर u। अब देखो यदि u में हो रहा है तो e की पावर u क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फंक्शन हो जाए, इसलिए e की पावर u का u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e की पावर u ही हो जाएगा। ये तो पहला आ गया, और दूसरा क्या है बताइए, u इजकल टू x साइन एक्स, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स, और यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल आप लोग पढ़े हो, क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो x का रिस्पेक्ट में क्या होगा, वन साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ आ गया x प्लस एक्स कॉस एक्स, सॉरी ये क्या आ गया, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये आ गया आपका du अपन dx आ गया। तो हमारा यह देख रहे हैं कि हमने दोनों निकाल दिया, डी वाई अपन डी यू भी निकाल दिया और डी यू अपन डी एक्स में आ गया, और फार्मूला ये है तो इसी में ले जाकर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस मतलब ई की पावर यू इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्स सॉरी साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। हमने कुछ नहीं किया, डी वाई अपन डी यू की वैल्यू यहाँ उठा कर रखोगे तो ई की पावर यू, और डी यू अपन डी एक्स की वैल्यू उठा के रखोगे तो x प्लस एक्स कॉस एक्स। ये बताइए चूँकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन पूरा पूरा x में था, तो
डिफ्रेंसिएशन भी x में आएगा, और इसलिए हम क्या करेंगे, u की जगह क्या रख देंगे, u की जो वैल्यू थी x में वो रख देंगे, तो x साइन x और साइन x प्लस एक्स कॉस x, ये आपका आ जाएगा पूरा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए फिर आगे चलते हैं, रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पर है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यू है, यहाँ पर देखो हम जानते हमने पढ़ा है इसका डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का, और एक्स के जगह एक्स क्यूब आ गया, मतलब एक्स का ही एक फंक्शन आ गया, तो इसी को यू मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स क्यूब इजकल टू यू इजकल टू एक्स क्यूब, और वाई इजकल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स यू, फिर वही डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, बताओ वाई का पहले यू के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि वाई यू का फंक्शन है, और फिर यू का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स का, क्योंकि यू एक्स का फंक्शन है। तो इस ये फर्स्ट हो गया, अब हमको इन दोनों को निकालना होगा यहाँ से, और निकाल के फिर यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा। अब आपको y की वैल्यू कितना मालूम है, साइन इनवर्स u, साइन इनवर्स u, ठीक है ना। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, तो कर लो भाई, हो गया y का u के रिस्पेक्ट में और इसका भी u के रिस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स u का u के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में। देखो जिसमें डिफ्रेंशिएशन कर रहा है यदि उसी में दिया हुआ है फंक्शन, वो भी स्टैंडर्ड टाइप का दिख रहा है, समझ में आ रही। अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन इनवर्स यू का यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो वन बाई अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, यदि साइन इनवर्स जेड का जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पर क्या था, साइन इनवर्स यू था यू के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा वन बाई अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर, यह आ जाएगा। हो गया, ये निकल के आ गया हमारा। अब हमारा डी वाई अपन डी यू तो निकल गया पहला, डी यू अपन डी एक्स निकालना है, तो यू की वैल्यू आपको दिया है कितना, यू की वैल्यू दिया है एक्स क्यू डी यू अपन डी एक्स, कितना हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स इंटू एक्स क्यू, और एक्स की पावर एन का जानते हो तो इसका भी निकाल लोगे, क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो डी यू अपान डी एक्स भी आएगा। अब इन दोनों को वैल्यू को कहाँ लेके उठा के रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो कितना हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वन बाई अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर डी अपान डी एक्स का थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स स्क्वायर और नीचे में क्या आएगा वन माइनस यू स्क्वायर, लेकिन यू की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो रख देंगे क्योंकि तो लास्ट में हमको यू में नहीं रखना है, लास्ट में तो जो आंसर आएगा वो एक्स में ही आएगा, तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स की पावर सिक्स, ये आ गया। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, लेकिन लेकिन ये फार्मूले से हमने बताया, अब मैं क्या करूँगा शॉर्टकट मारूँगा, कैसे करूँगा वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं कैसे करूँगा, ध्यान से देखिए, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम करेंगे, कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्यू, ये है। अब देखो इसमें करने के लिए क्या करेंगे, इधर से चलेंगे, तो इधर में पहले साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स के आगे जो भी होगा फंक्शन, समझ में आई, साइन इनवर्स एक्स के आगे जो भी फंक्शन आएगा उसको मान लेंगे कि एक्स है, और यदि साइन इनवर्स एक्स होता है तो कितना आता बताओ भाई, वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आता, लेकिन यहाँ क्या है एक्स की जगह एक्स क्यूब है, तो जो भी फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यह क्या। अब यहाँ रुकेंगे नहीं, क्यों नहीं रुकेंगे भाई, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्डली साइन इनवर्स एक्स नहीं था, यहाँ एक्स का फंक्शन था, तो इसको एक्स मान के तो हमने कर दिया, लेकिन फिर इस फंक्शन का भी हमको करना होगा डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में,
और वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इनटू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू। ये देखो चेन वाइज स्टार्ट हुआ, पहले हमने क्या किया, इसको एक्स माना, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, लेकिन चूंकि एक्स नहीं था, एक्स की जगह एक नया फंक्शन था, इसलिए फिर इसका भी करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना वन बाई माइनस एक्स पावर सिक्स, और ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो हो गया थ्री एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स पावर सिक्स, ये भी आ गया। उससे ये आसान है, उससे क्या है ये आसान है, तो इसको अच्छे से पढ़िए फिर देखिए दूसरा वाले को, दूसरे वाले को कैसे करेंगे। दूसरा वाला क्या है, वाई इजकल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसको भी डायरेक्ट कर लेंगे, लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो, यदि e की पावर केवल x होता तब तो इसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर x लिख के छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर तो x की जगह एक नया फंक्शन आ गया x का बड़ा सा, तो पहले तो ये मान लेते हैं कि x है, और ये x होता तो क्या आता, e की पावर जो भी x की जगह है वो लिख लो। अब यहाँ पर भाई x होता तो e की पावर x लिख के छोड़ देते, लेकिन x की जगह एक नया फंक्शन आ गया x इंटू साइन x, तो हमको इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा इसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो चेन रूल है, इसको एक्स मान लिए तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स तो है नहीं, ठीक ना, एक्स की जगह एक नया फंक्शन आ गया है, तो उसका भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यही ना पढ़े हो, जो पढ़े हैं वो अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा e की पावर x साइन x, x का क्या होगा वन हो जाएगा, हटा दो केवल साइन x बचेगा यहाँ x, और साइन x का क्या हो गया cos x, तो ये आपका हो गया इजीली, ठीक ना। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, इसको रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक ना। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट, अच्छा एक पहले एक y इज इक्वल टू अंडर रूट x क्या होगा, ठीक ना, तो y अंडर रूट x का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ आपको फाइंड करना है dy अपन dx क्या होगा, तो यहाँ दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसका मतलब वाई की पावर एक्स की पावर वन बाई टू, डिफ्रेंशिएट कर दोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर वन बाई टू। अब एक्स की पावर एन के हिसाब से होगा, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू वन बाई टू, और ये हो जाएगा नीचे आके x की पावर वन बाई टू, ये वन वन मल्टीप्लो वन टू, और इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि यदि रूट एक्स आएगा तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन रट लीजिए, क्या कर लीजिए रट लीजिए, बहुत काम की चीज़ें हैं। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स, रूट एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स, याद कर लीजिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स। क्यों याद करने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका वाई इजकल टू अंडर रूट साइन एक्स, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स डी वाई अपान डी एक्स अंडर रूट साइन एक्स, ओके okay? y का x के रिस्पेक्ट में और इसका भी x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। अब देखो चेन रूल से याद करूँ कि यदि ये x होता तो रूट एक्स होता, याद करिए अंडर रूट के अंदर x होता है तो ये रूट एक्स होता है, और यदि रूट एक्स होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, लेकिन x की जगह तो साइन x आ गया तो साइन x लिख देंगे। अभी बताए हैं कि यदि किसी भी फार्मूले में, ये फार्मूला ही मान लो,
तो यदि किसी भी फार्मूले में एक्स है तब तो वो 1/2 √x लिख के छोड़ देंगे, लेकिन एक्स के जगह एक नया फंक्शन आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में करके मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dx sin x, ठीक ना। क्यों? क्योंकि रूट एक्स होता तब तो 1/2 √x होता है, तो √sin x का 1/2 √sin x नहीं होगा, फिर क्या करेंगे साइन एक्स का भी करेंगे। याद रखिए ये फार्मूला ही है, ठीक ना। रूट एक्स होता तो 1/2 √x है, लेकिन यदि एक्स के जगह कोई दूसरा फंक्शन आएगा तो 1/2 √ वो फंक्शन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर उस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफ्रेंसीशन होके फिर वहाँ मल्टीप्लाई होगा, यही चेन रूल कहता है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का कास एक्स, तो कास एक्स बाई कितना हो जाएगा 2 √ sin x। तो याद कर लीजिए कि ये फार्मूला ही है आपका, बहुत काम करेगा आगे चल के, रूट एक्स का 1/2 √x। चलो तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं आगे चलता हूँ। तो इसी पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, दिया है y = x√x² + a² की पावर n, और ये दिया है, तब आपको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट dy/dx = ny/√x² + a² ये दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है, y = x√x² + a² की पावर n। तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखिए देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ तो दिया है dy/dx, मतलब y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। यदि यहाँ पर कुछ दूसरा दिया होता, u दिया होता, a दिया होता, तो हम एक रिस्पेक्ट में करते, लेकिन चूंकि यहाँ पर दिया है कि हमको प्रूफ करना है dy/dx = ny/√x² + a², मतलब इसको देखकर हम चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं लिखा है कि इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको देख के पता चलता है प्रूफ करना है, इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट कितना हो जाएगा, dy/dx (x√x² + a² की पावर n। अब देखो ये x की जगह आ गया, x की पावर n, जानते हो ना x की पावर n है क्या होता है, तो x की पावर n होता है n(x⁻¹). तो पहले तो क्या मान लो, तो ऐसा कहीं फार्मूला हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये जानते हैं कि एक्स की पावर एन का क्या होता है, n(x⁻¹). तो इसको एक्स मान लो और इसको एक्स मान लोगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एन और एक्स की जगह ये पूरा और n-1। लेकिन यहाँ x नहीं है, इतना ही लिख के छोड़ देंगे, x के जगह x का एक फंक्शन आ गया, मतलब चेन रूल कहता है कि इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके क्या करो, मल्टीप्लाई करो। देखो अब वो यो जो u और v मान के कर रहे थे जेड मान के, वो नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट आ जाएंगे पहले फंक्शन पे, फंक्शन के नेचर को समझेंगे कि किसकी किस टाइप का है। x की पावर n है तो n(x⁻¹) हो गया, लेकिन x के जगह एक नया फंक्शन आ गया, इसलिए उस नए फंक्शन मतलब x का एक दूसरा फंक्शन, x होता तो यहीं तक छोड़ देते हैं, x⁻¹ का क्या होता है n(x⁻¹) यहीं पे कंप्लीट हो जाता, लेकिन उस x के जगह एक नया फंक्शन आ गया, इसलिए चेन रूल कहता है कि उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा आगे और वो भी मल्टीप्लाई में होगा। याद रखिएगा जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूला बताए हैं, यदि उनमें x के जगह केवल x है तब तो वो फार्मूला ही डायरेक्ट लगा देंगे और जो आएगा वही आपका हो जाएगा। जैसे जैसे log x है तो इसका तो 1/x हो जाएगा, लेकिन log x के जगह यदि x² + 2 आ गया तो ये चेन रूल में चला जाएगा। तो चेन रूल में कैसे होगा, पहले तो इसको x मानेंगे, x मानेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2
एक्स होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस टू। और अभी बता रहे थे कि चेन रूल कहता है कि स्टैंडर्ड फंक्शन में एक्स के जगह जो भी आया हो उसका भी हम डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये मल्टीप्लाई में आया है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्यों आया है ये पता चल गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये तो हो जाएगा एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन माइनस वन। और अब देखो एक्स का करोगे तो वन, देखो डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ भी लगेगा और डिफ्रेंशिएशन यहाँ भी लगेगा, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, प्लस में जितने भी फंक्शन होंगे उन सब पे लगेगा, ठीक है ना, पहले ही दिन बता दिए थे। तो डी बाई डी एक्स एक्स पे भी लगेगा, डी बाई डी एक्स यहाँ भी लगेगा, तो यहाँ लगाओ। अब तो यहाँ लगाओगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, अब पहले लिख ही लो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया, दोनों जगह जाके लग गया। ये हो गया आपका n x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, वन। अब देखो रूट ऑफ दिस फंक्शन मतलब होगा रूट एक्स के टाइप में, किस तरह से हो गया, रूट एक्स के हिसाब से होगा। तो रूट एक्स का क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना। रूट एक्स का क्या होगा, वन बाई टू रूट एक्स, यहाँ से देखिए ये मान लीजिए कि एक्स है तो ये एक्स होता है, रूट एक्स होता है तो वन बाई टू रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह तो एक्स का फंक्शन आ गया तो इसका भी हम चेन रूल से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, यही चेन रूल कहता है, ठीक ना। ये एक्स मानोगे तो रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या हुआ, वन बाई टू रूट एक्स, लेकिन एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह एक फंक्शन है, इसलिए चेन रूल से इसका भी डिफ्रेंशिएशन होकर मल्टीप्लाई होगा। अब कितना हो जाएगा, एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन माइनस वन। और ये हो जाएगा आपका ये तो ऐसे ही हो गया, इसका क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर का करोगे तो टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर पर लगेगा चूँकि ए कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। और ये हो गया आपका एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन माइनस वन वन। अब ये क्या हो गया, ये तो टू एक्स हो जाएगा, जुट जाएगा तो टू एक्स, तो ये टू से टू कट जाएगा तो आएगा एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तो हो जाएगा एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन माइनस वन। और इसका एलसीएम लेके जोड़ दोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया। अब देखो सेम चीज़ यहाँ आया है वही यहाँ आया है, तो इसकी पावर एन माइनस वन और इसकी पावर भी तो वन होगा, और बेस सेम हो गया तो पावर जुट जाएगा। तो देखो सेम है, वो अलग बात है कि यहाँ पर पहले एक्स आया है बाद में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और यहाँ पर पहले अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए आया है और बाद में एक्स आया है, फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको आप एक बार लिख भी सकते हो, जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये एन माइनस वन पावर और इसकी पावर वन ऐड होकर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन, और नीचे हो जाएगा कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया, ध्यान से देखिए। अब ये किसकी वैल्यू आई है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये कितना है डी अपन डी एक्स वैल्यू, ये बताओ एन तो रहेगा ही रहेगा, ये क्या है, ये क्या है, वाई है, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन। तो इसकी जगह इसके जगह इसके पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देते, एन वाई हो गया, और नीचे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करिए ध्यान से करिए, और भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन आ जाते हैं, करते हैं, इसको रिवाइंड करके एक दो बार देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक ना। वो यू और भी मान के मत करिएगा, वो बेसिकली आपको हम भले बता दिए हों,
लेकिन उससे बढ़िया ये है, एक क्वेश्चन है ए साइन इनवर्स एक्स की पावर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। क्या करना है? इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है इसको। चलो करते हैं। तो आप फार्मूले में एक चीज़ पढ़े होंगे, क्या ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए, ठीक ना। अब ए की पावर एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह तो एक फंक्शन दिख रहा है, तो इसको मान लेते हैं कि एक्स है। तो एक्स है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा पहले तो होगा ए की पावर एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन चूंकि एक्स नहीं है कि ए की पावर एक्स लिख के छोड़ देंगे, यहाँ पर एक्स की जगह फंक्शन आया है एक, इसलिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? ध्यान से देखिए, ए की पावर एक्स, एक्स मान के करोगे तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, और एक चीज़ छूट गया है यहाँ पर, क्या होगा, लॉग ए, ए की पावर एक्स लॉग ए, लेकिन एक्स तो है नहीं, कितना ही करके छोड़ देंगे, एक्स की जगह एक फंक्शन आया है, तो बाई चेन रूल इसका भी डिफ्रेंशिएट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या आ गया, ए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लॉग ए। अब देखो एक्स स्क्वायर ये किस टाइप का है, फंक्शन की पावर नंबर, फंक्शन का पावर नंबर आने का मतलब एक्स की पावर एन के हिसाब से होगा। चेन रूल में याद करिए, कैसा भी फंक्शन है उसकी पावर एन आ गया तो एक्स की पावर एन के हिसाब से होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स की पावर एन तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, टू, और एक्स होता है, एक्स की जगह क्या है यहाँ पर भी, फिर वही बात आ गया, एक्स स्क्वायर होता तो 2x लिख के छोड़ देते, लेकिन x के जगह एक फंक्शन आ गया है तो बाई चेन रूल इसका फिर होगा मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएशन करके। देखो ये तीन स्टेप में गया है, दूसरे स्टेप से फिर तीसरे स्टेप में गया, तो जितना फंक्शन अंदर में रहेगा उतने स्टेप हो जाएगा। यहाँ पर दो बार में ये तीन फंक्शन का कंपोजिट है, यदि मैं बताऊँगा कंपोजिशन तो ये तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, इसलिए थ्री स्टेप में चला गया है, ठीक ना। पहले तो ए की पावर एक्स मान के करेंगे तो ए की पावर एक्स लॉग ए, चूँकि एक्स की जगह एक फंक्शन है तो फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये भी क्या हो गया, फंक्शन की पावर नंबर आ गया, मतलब एक्स की पावर एन के हिसाब से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टू एक्स होता है, एक्स तो है नहीं कि छोड़ देंगे, एक्स की जगह एक फंक्शन है तो फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लॉग ए टू साइन इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने एक जगह कास इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन गलत लिख दिया है, मैंने क्या लिखा है, कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स नहीं शायद यू है, तो उसको हमने लिख दिया माइनस वन प्लस यू स्क्वायर, जो कि रॉन्ग है। हमको क्या लिखना है, माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर, उसको सही कर लीजिएगा। और क्वेश्चन आरडी शर्मा लेंगे तो बहुत आएंगे चेन रूल पे, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डिफ्रेंशिएशन आप करिए। मैं जब अगले दिन आऊँगा तो मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे उसको मैं बताऊँगा, क्योंकि उसमें भी बहुत थोड़ा लॉजिक है। और इसके बाद से मैं फिर पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक ना, और से टाइप के डिफ्रेंशिएशन अभी बगे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक ना, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, तो अभी डिफ्रेंशिएशन चलेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और खूब प्रैक्टिस करिए जब तक कि आपको, हाँ ये चीज़ है कि जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं यू और भी मान के वैसे मत करिएगा, ठीक है ना, ये वाला मेथड अप्लाई करिए, ठीक, यू और भी को भूल जाइए। देखो इनिशियली मैंने इसलिए उसको बताया था कि आपको कहीं बुक में आए तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना, वो भी जानना चाहिए। लेकिन हम जो व्यवहार में लाएंगे, व्यवहार मतलब हम जो प्रैक्टिकली करेंगे इसी को करेंगे, कौन, बिना यू और भी माने डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्ट करोगे तभी भी नंबर उतना ही मिलेगा, यू और भी मान के करोगे तो उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए आप लोग। सूचना ये है कि बेटा स्कूल तो एक महीने तक खुलने को रहा, तो मैं यही कहूँगा कि सारे के सारे बच्चे शहर में आ जाएँ, ठीक है ना। और मैं ये श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम चला है कि कुछ टीचर मतलब दो चार पाँच बच्चों का ग्रुप बना के पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखो 12th और 10th को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 11th ना पढ़े
या कब पढ़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 12th को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी टीचर शहर में आके दो चार पाँच बच्चों का ग्रुप बना के पढ़ा रहा है उसको पढ़िए, गांव में रहने से कुछ नहीं होगा, और अपने स्पीड को बढ़ाइए, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ, यदि ऑफलाइन की क्लास होती ना तो अभी तक आपका फर्स्ट बुक NCERT से फर्स्ट बुक ख़त्म हो गया होता, मतलब डिफ्रेंसिएशन पूरी कंप्लीट हो चुकी होती, हम फर्स्ट बुक सेकेंड बुक पे आ गए होते। लेकिन ऑनलाइन के चलते अभी मैं क्या है, मैं अभी एक महीने पढ़ाऊँगा ना लगातार, तभी भी ये फर्स्ट बुक ख़त्म हो ना हो कोई चांसेज नहीं है, समझ में आ रही बात है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्पीड जो धीरे धीरे चल रहा है इसको तेज़ बढ़ाइए, इसको अच्छे से पढ़िए, और जो भी टीचर बलिया शहर में आ गए हैं और धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, देखो पैसे की चिंता मत करो, ठीक है ना, कि मेरा पैसा लग जाएगा, मेरा ऑनलाइन काम चल रहा है तो स्कूल बंद है तो क्यों पढ़े, ये सब चीज़ें दिमाग में लाओगे तो 12th आपके लिए क्या हो जाएगा। देखो सरकारें क्या नीति बनाती हैं उस पर नहीं जाना है, सरकारें अपनी पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, अपने हिसाब से क्या है, कोरोना क्या है क्या नहीं है, उसके पीछे आपको नहीं जाना है। और राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के अलावा किसी का स्वार्थ नहीं चाहते हैं, इसलिए आपका स्वार्थ इसी में है कि आप अपनी पढ़ाई करें और कहीं से भी ऑफलाइन मोड में करें, किसी भी टीचर को पकड़ें, 5-10 लोग लेके ग्रुप में पढ़ें, आपका भी काम चले उस टीचर का भी काम चले, समझ में आ रही, दोनों चीज़ें हैं इस पे बेस्ड, आपका भी काम चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर को हायर करोगे तो तुम 2-4-5 लाख 10 करोड़ दे दोगे कि वो राजा बन जाएगा और तुम रंक बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। उसकी जो जेन्युइन फीस है वो लेगा या नहीं लेगा उस पर डिपेंड करता है, और आपको नॉलेज देगा, और ज्ञान बलिया में बहुत सस्ता है मैं बता दे रहा हूँ। यदि यही चीज़ें आपको ऑनलाइन परचेज करके पढ़ोगे या यही चीज़ें आपको दूसरी जगह पढ़ाई जाएगी तो ये दोगुना तिगुने चारगुने फीस पे अवेलेबल है, आपको भी मालूम है। तो बलिया में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको फ़ीस की इतनी दिक्कत हो, 2-4-5 हज़ार में सब लोग पढ़ाने वाले हैं, 5-5 लोग का ग्रुप बना के यदि जाओगे तो कोरोना से भी सुरक्षित रहोगे, टीचर का भी काम चलेगा, तुम्हारा भी काम चलेगा, गांव छोड़ो और क्या आओ बलिया में आओ, मेरा तो यही कहना है। और जिससे भी आपको पढ़ना हो वहाँ पढ़िए, और मेरी ऑनलाइन की जो व्यवस्था है वो चल ही रही है, स्कूल अब अक्टूबर में ही खुलेगा, 1 अक्टूबर से पहले खुलने का कोई चांस नहीं है, समझ में आ रही बात है। अभी 27 या हाँ शायद मे बी 21 सितंबर तक तो स्कूल बंद ही रहेगा। 21 से ये हुआ है कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं, स्कूल जाने का मतलब पढ़ाई नहीं, स्कूल जाने का मतलब आप अपने टीचरों से मिल सकते हैं, ठीक है ना, और टीचर भी वहाँ अवेलेबल होंगे, आप भी मिल सकते हैं उनसे और कुछ परामर्श ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, या 2-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट अपनी पढ़ाई जरूर स्टार्ट कर दीजिए, जितना जल्दी हो स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो नुकसान आपका होगा, किसी टीचर का नहीं। टीचर का क्या नुकसान होगा, साल भर नहीं कमाएगा, पहले क्या खाता था, अच्छे से खाता था, थोड़ा कम खाएगा, लेकिन आपका जो समय एक साल बर्बाद होगा ना उसकी भरपाई आप 10-5 वर्षों में नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रही बातें। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आकर अपने टीचर जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनसे पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे भी हो कहाँ भी हो, रोड पे पढ़िए, उसके घर जाके पढ़िए, कोई भी व्यवस्था बने, लेकिन ऑफलाइन मोड में पढ़िए, क्योंकि ऑफलाइन मोड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ऑनलाइन, भले हम लोग पढ़ा रहे हैं वो अलग बातें हैं। तो इतनी ही मेरी बात है, आप लोग को समझ में आ गया हो तो समझ में जाइए, और नहीं समझ में आ गया तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और आप मन लगा के इसको पढ़िए। क्वेश्चन इतने हैं कि आप बहुत 2-3 दिन बनाने में आपको लग जाएंगे, और केमिस्ट्री भी है साथ में, हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, ठीक है ना, फिजिक्स भी पढ़िए, तो सब कुछ पढ़ते रहिए। और मैं फिर नेक्स्ट डे आऊँगा एक नई क्लास, एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।